बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप अंडर 40,000 रुपीस। बिल्कुल 40,000 के बजट में आने वाला एक ऐसा वीडियो एडिटिंग लैपटॉप जिसमें हम आराम से वीडियो एडिटिंग कर सकें, और सिर्फ वीडियो एडिटिंग ही नहीं बल्कि थंबनेल बनाना, फोटो एडिटिंग जैसे कई सारे काम भी आसानी से किए जा सकें। और इसीलिए इस वीडियो में बताऊंगा आपको टोटल 6 ऐसे वीडियो एडिटिंग लैपटॉप्स जिनका कि आप अपनी एडिटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। 40,000 में जो लैपटॉप्स आपको मिलेंगे उनका मिनिमम क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उस पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। पहला, मिनिमम इंटेल i3 12th जनरेशन होना चाहिए या फिर AMD Ryzen 5 या अबव होना चाहिए, 5th जनरेशन होना चाहिए। सेकंड, स्टोरेज के मामले में 256GB की तो मिनिमम SSD होनी ही चाहिए, 16GB RAM होनी चाहिए या 8GB भी चल जाएगी बट आप उसको फ्यूचर में अपग्रेड कर सको, अदरवाइज कोई और लैपटॉप ढूंढो। फुल HD 1080 पिक्सल्स की डिस्प्ले होनी चाहिए विद IPS पैनल के साथ। इसके अलावा लैपटॉप में 10 से 11 घंटे का बैटरी बैकअप होना ही चाहिए। अब टोटल 6 लैपटॉप्स हैं तो आपको 6 से लेकर 1 तक की रैंकिंग में आपको पता लगेगा कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए कितना बेस्ट है। तो आ जाओ देखते हैं 6th नंबर पर आने वाला हमारा Xiaomi Notebook Pro Max। इस लैपटॉप को वैसे तो हमारी लिस्ट में नहीं होना चाहिए था क्योंकि हमारे क्राइटेरिया को भी मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी मैंने इसको एज अ एड ऑन यहां पर ऐड किया है और इसीलिए ये आपको 6th नंबर पर मिलता है। इसके CPU की बात करूं तो इसमें आपको इंटेल का i5 11th जनरेशन 11300H का प्रोसेसर मिल रहा है जो कि एक 4 कोर और 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। बेस क्लॉक यहां पर 3.1 GHz है और बूस्ट आपको 4.4 GHz मिलती है। यहाँ इस लैपटॉप में आपको जो डिस्प्ले दी गई है वो है 35.56 सेंटीमीटर की क्वाड HD डिस्प्ले विद IPS पैनल के साथ। तो आप लोग अगर एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग करते हो तो आपको कलर एक्यूरेसी में काफी हेल्प मिलेगी। इसकी डिस्प्ले की वजह से आपको ये लैपटॉप इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। GPU की बात करूं तो आपको यहां पर कोई डेडिकेटेड नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड इंटेल का आयरिस XE ग्राफिक्स मिलता है। रैम में आपको 8GB की 3200 MHz की रैम मिल रही है DDR4। स्टोरेज आपको 512GB की SSD NVMe M.2 टेक्नोलॉजी के साथ में। बैटरी में आपको 11 आवर्स तक का बैकअप मिलता है और 65W की चार्जिंग सपोर्ट करता है। और आपको जो चार्जर मिलेगा वो USB Type-C मिल रहा है, यानी आपकी फास्ट चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और 11 घंटे का बैकअप है। एंड पोर्ट्स में आपको 2 USB पोर्ट्स मिलते हैं जिसमें से एक तो है 3.2 और एक अपना 2.0। इसके अलावा आपको 3.5mm का ऑडियो जैक मिल रहा है और साथ में एक HDMI का पोर्ट है और थंडरबोल्ट 4 और USB Type-C भी है। वायरलेस फीचर्स में आपको इसमें ड्यूअल बैंड का Wi-Fi 6 मिल रहा है और ब्लूटूथ 5.1 भी। अब इसकी एक ओवरऑल प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो Amazon पर आपको ये अराउंड 44,000 रुपीस का मिलेगा। आई नो 40,000 से थोड़ा ज्यादा है बट आप लोग इसको बैंक ऑफर्स के थ्रू 40,000 के अंदर अंदर आपको ये लैपटॉप आराम से मिल जाएगा। और हाँ, आगे भी आपको जो लैपटॉप्स बताऊंगा ना, अगर वो आपको 41, 42, 47 या 45 के अराउंड मिलते हैं तो आप लोग जाहिर है उसको बैंक ऑफर्स या किसी भी तरह के ऑफर्स के थ्रू आराम से 40,000 के अंदर अंदर खरीद पाओगे। थोड़ा सा अगर इस लैपटॉप का पोस्टमार्टम करें तो आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है उसमें आप आराम से बेसिक और मॉडरेट लेवल की एडिटिंग कर पाओगे। बट अगर आप सोचो कि मैं इसमें 4K या बहुत हाई एंड लेवल की वीडियो एडिटिंग करूंगा तो ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखना क्योंकि वहां आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है इस प्रोसेसर के साथ में। एक बार को अगर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होता ना तो फिर भी चल जाता, लेकिन इंटीग्रेटेड में और ज्यादा स्ट्रगल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अगर आप लोग एक बेसिक से लेकर मॉडरेट लेवल की एडिटिंग करना चाहते हो या लेट से थोड़ा बहुत प्रीमियर प्रो पर भी काम करना चाहते हो तो आप लोग इस लैपटॉप को जरूर से कंसिडर कर सकते हो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपको पसंद आया हो तो देख लेना जाकर। इसी के साथ अपने अगले और 5th लैपटॉप की बात करूं तो आता है Lenovo V15। बिल्कुल ये लैपटॉप पिछले वाले लैपटॉप से थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इसका प्रोसेसर आपको थोड़ा बेटर मिल जाता है। यहां आपको मिलता है AMD का Ryzen 5 5500U का प्रोसेसर जो कि एक 6 कोर और 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। बेस क्लॉक आपको 2.1 GHz एंड बूस्ट और टर्बो आपको अराउंड 4 GHz तक का मिलता है। GPU में आपको AMD के Radeon ग्राफिक्स मिल रहे हैं। RAM आपको 8GB मिल रही है DDR4 एंड स्टोरेज आपको 512GB की SSD मिल रही है विद NVMe M.2 टेक्नोलॉजी के साथ। बैटरी में आपको यहां पर अराउंड 5.5 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाता है जो कि मे बी ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि यहां आपको 65W की फास्ट चार्जिंग मिल रही है। डिस्प्ले में आपको 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले मिल रही है जो कि एक TN पैनल है, नॉट IPS पैनल। तो उसमें आपको थोड़ा बहुत कलर्स में आपको चेंजेस मिलेंगे बट इतना कुछ खास बड़ा इशू नहीं है, आपका काम हो जाएगा। पोर्ट्स में आपको यहां एक HDMI और 2 USB पोर्ट्स और एक USB टाइप सी और एक 3.5mm का ऑडियो जैक मिलता है। इस लैपटॉप की प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको Amazon पर अराउंड 35,000 रुपीस तक का मिल जाएगा। एक दो डाउनसाइड लगी कि एक तो यहाँ आपको बैटरी बैकअप बहुत कम मिलता है क्योंकि आप खुद सोचो 6 घंटे का बैकअप में आप क्या ही कर लोगे, एडिटिंग तो छोड़ो ते में तो एक 2-3 मूवीज ही देख पाओगे। बट इसमें आपको जो प्रोसेसर दिया गया है वो काफी अच्छा प्रोसेसर है इस बजट सेगमेंट में जिस पर आप 4K एडिटिंग तो नहीं कर सकते बट हाँ आप बेसिक और मॉडरेट और थोड़ी सी हाई एंड लेवल की एडिटिंग कर पाओगे। और इसके अलावा Adobe Premiere Pro को कोशिश करना
अवॉइड करने की, बट अगर आप लोग फिर भी चलाना चाहते हो तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको सफर करना पड़ेगा। ओके, अब बात करूं इसी के साथ अपने अगले और फोर्थ लैपटॉप की, तो है एसर एस्पायर लाइट। जनरली ऐसा देखा गया है कि एसर और आसूस ये दो तीन कंपनीज ऐसी हैं कि इनके लैपटॉप हमें वीडियो एडिटिंग और जितने भी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड काम होते हैं ना, लाइक कोडिंग वगैरह, और जो लोग अगर थोड़ा बहुत गेमिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये लैपटॉप काफी परफेक्ट माने जाते हैं। और यही रीजन है कि किसी भी वीडियो में, चाहे वो किसी भी लैपटॉप की बात हो रही हो, आपको वहां पर एसर, आसूस, एमएसआई ये कुछ ब्रांड्स हैं जो हमेशा देखने को मिलेंगे। क्योंकि एसर के अंदर मैंने ये चीज नोट करी है कि ये लोग काफी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट लेकर आते हैं। लाइक अगर इसी लैपटॉप की बात करूं तो यहां आपको प्रोसेसर मिल रहा है AMD Ryzen 5 5500U, जो कि अगेन एक 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। बेस क्लॉक स्पीड और बूस्ट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। GPU यानी ग्राफिक्स आपको इंटीग्रेटेड मिलेगा, वही AMD Radeon का। और RAM आपको इसके अंदर 16GB की मिल रही है, जिसे आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 32GB तक। और एक बात कि इसमें जो इंटीग्रेटेड GPU मिल रहा है ना, तो वो भी जाहिर है आपकी RAM को शेयर करेगा, तो ऐसे केस में आप लोगों को ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी। स्टोरेज में आपको 512GB की SSD मिल रही है, जिसे आप एक्सपेंड कर सकते हो अप टू 1TB तक। बैटरी बैकअप भी आपको काफी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि लैपटॉप 65W की चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो आप अराउंड अप टू 6 to 12 आवर्स के बीच का बैकअप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें आपको जो डिस्प्ले मिल रही है वो है 15.6 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले, जो कि एक LED बैकलिट TFT LCD है। पोर्ट्स की बात करूं तो आपको इसमें मिल रहा है एक HDMI का पोर्ट और तीन मिलते हैं USB पोर्ट, जिसमें से आपको एक मिलेगा 3.2 और बाकी के दोनों जो होंगे वो 2.0। और सिर्फ तीन ही नहीं बल्कि एक और चौथा USB पोर्ट भी है, जो कि USB टाइप सी है। अब इस लैपटॉप की प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको अराउंड 36,000 रुपीस तक का मिल जाएगा। ऑफर्स के साथ आपको और सस्ता मिल सकता है। नाउ इस लैपटॉप की कुछ अच्छी बातें और कुछ बुरी बातों की बात कर लेता हूं। तो यहां पर जो आपको इसके अंदर रैम दी जा रही है वो तो बहुत बढ़िया है, प्रोसेसर भी काफी अच्छा है, आप लोग काफी हद तक एडिटिंग कर पाओगे। बट अगर आप लोग 4K एडिटिंग करना चाहते हो तो जैसा मैंने पहले भी सभी लैपटॉप्स में कहा कि आप 4K एडिटिंग की एक्सपेक्ट मत करना, और बल्कि अगर आप बहुत अच्छे और हैवी इफेक्ट्स भी लगाओगे ना एडिटिंग में तो वो भी एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि आप लोगों को उसे रेंडर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इन सभी लैपटॉप्स में। लेकिन अगर आप लोग एक इनिशियल लेवल पर अभी स्टार्ट कर रहे हो अपना यूट्यूब करियर या किसी भी चीज के अंदर आप वीडियो एडिटिंग करते हो और आप अभी बिगिनर हो, तो डेफिनेटली ये लैपटॉप्स आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित होगा। यार स्टार्टिंग में मैंने क्राइटेरिया बताया था कि इंटेल का i3 12 जनरेशन होना चाहिए मिनिमम, और अभी तक कोई ऐसा लैपटॉप नहीं आया जिसमें इंटेल i3 12 जन मिल जाए। तो इसीलिए हमारा जो अगला और थर्ड लैपटॉप है वो है लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3। बिल्कुल ये लैपटॉप आपको इंटेल i3 12 जनरेशन के साथ में देखने को मिलेगा, जो कि एक 6 कोर 8 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये प्रोसेसर आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। ग्राफिक्स आपको यहाँ इंटीग्रेटेड मिलते हैं, इंटेल का अल्ट्रा HD ग्राफिक्स। रैम आपको 8GB मिलती है DDR4 3200 MHz की, जिसे आप अपग्रेड कर सकते हो अप टू 16GB तक। SSD आपको अगेन इसमें भी 512GB की मिल रही है। बैटरी बैकअप आपको अप टू 5 आवर्स तक का मिलता है, एंड रैपिड चार्ज भी सपोर्ट करता है, जिसमें कि आप 15 मिनट में इसको चार्ज करके 2 घंटे तक का रन टाइम ले सकते हो। प्राइसिंग की बात करूं तो ये लैपटॉप आपको अराउंड 40,000 रुपीस का मिलेगा। आप लोग चेक करते रहना, इसके प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। एंड एक बात आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि मैंने जिस लैपटॉप पर स्टार्टिंग में अपनी फर्स्ट वीडियो, बल्कि फर्स्ट ही नहीं, स्टार्टिंग की 10 वीडियो एडिट करी थी ना, वो लिनोवो का लैपटॉप था। और मैं बता नहीं सकता कि वो इतनी पुरानी सीरीज का लैपटॉप था और मैंने उसमें आराम से अपनी वीडियो एडिटिंग करी थी। तो आप लोग ये लैपटॉप देख सकते हो, अगर आपको पसंद आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर खरीद लेना। ऑलराइट, इसी के साथ हमारा अगला और सेकंड बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप है होनर मैजिकबुक 14। बिल्कुल इस लैपटॉप में आपको प्रोसेसर मिल रहा है AMD Ryzen 5 5500U, जो कि अगेन सबको पता लग गया होगा कि यार 6 कोर 12 थ्रेड्स का एक प्रोसेसर है। प्रोसेसर की डिटेल्स स्क्रीन पर है। ग्राफिक्स आपको इसमें भी इंटीग्रेटेड मिलते हैं, कोई डेडिकेटेड नहीं मिल रहा। रैम आपको इसमें 16GB DDR4 मिलती है, एंड स्टोरेज आपको 512GB की SSD मिल रही है। डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें आपको 14 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले मिल रही है IPS पैनल के साथ। बैटरी बैकअप के मामले में ये लैपटॉप आपको अप टू 14 आवर्स तक का बैकअप देगा, एंड ये 65W तक की चार्जिंग सपोर्ट करता है। पोर्ट्स की बात करूं तो इसमें आपको एक HDMI पोर्ट मिलेगा, इसके अलावा 3 USB पोर्ट्स हैं, जिसमें एक USB टाइप सी है, बाकी के 2 नॉर्मल USB टाइप ए पोर्ट्स हैं, और एक आपको इसमें हेडफोन जैक भी मिल रहा है, साथ ही साथ फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। प्राइसिंग की बात करें तो ये लैपटॉप आपको अराउंड 41,000 रुपीस तक का मिलेगा। अब यहां पर काफी सारे लोगों को ये डाउट होगा कि भाई जब इंटेल का प्रोसेसर AMD से काफी अच्छा है तो क्यों मैं इसको सेकंड नंबर पर लेकर आया हूं और क्यों मैंने इंटेल वाले को थर्ड पे रखा। तो इसके पीछे रीजन समझो कि मैंने इस लैपटॉप की ओवरऑल चीजों को देखते हुए क्या ये एक एज अ वीडियो एडिटर के लिए आपके लिए अच्छा है, तो आपको रेकमेंड कर रहा हूं। बाकी इस लैपटॉप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप लोग चाहो तो जाकर इसे परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट
बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप अंडर 40,000 नॉट 14,000 जो कि है MSI मॉडर्न 15। बिल्कुल, ये लैपटॉप भी इंटेल i3 12 जनरेशन पर बेस्ड है। इसमें आपको इंटेल का i3 1215U का प्रोसेसर मिल जाता है। ग्राफिक्स में आपको इसमें इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलता है। रैम की बात करूं तो इसमें आपको 16GB की DDR4 रैम मिल रही है विच इज नॉट अपग्रेडेबल, और यही एक ऐसा पॉइंट है, अगर इसे हटा दूं तो ये लैपटॉप ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ हम देखते हैं ना तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। इस लैपटॉप में आपको 3 सेल बैटरी मिल जाती है जो कि आपको अप टू 6 to 12 hours तक का बैकअप दे देगी। डिस्प्ले में आपको इसमें 40 cm की फुल HD डिस्प्ले मिल रही है विद IPS पैनल के साथ, तो ये भी एक प्लस पॉइंट ही हुआ जो आपको आपकी एडिटिंग में हेल्प करेगा। पोर्ट्स की बात करूं तो इसमें आपको एक HDMI पोर्ट और 4 USB पोर्ट्स मिलते हैं और एक RJ45 का वायरलेस LAN पोर्ट भी है। इस लैपटॉप की प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपको अराउंड 37,000 रुपीस का मिल जाएगा। क्यों? ये लैपटॉप नंबर 1 पर, पहली चीज कि ये MSI का लैपटॉप है, तो क्योंकि यहां आपको कूलिंग में, आपको बिल्ड क्वालिटी में और आपको काफी सारी अदर चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो या एक प्रोग्रामर हो तो भी आप लोगों के लिए लैपटॉप बेस्ट है, बट फिर भी मैं रेकमेंड ये करूंगा कि आप इसमें भी 4K लेवल की एडिटिंग एक्सपेक्ट मत करके चलना। कोई भी चीज जब पुरानी होती जाती है ना तो उसकी एज भी वैसे वैसे कम होती जाती है और आपके यूजेज पर डिपेंड करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी लैपटॉप्स मैंने बताया वो उनमें से कोई एक लैपटॉप आप परचेज करोगे, और अगर आप लोग इनमें से कोई एक लैपटॉप यूज कर रहे हो या आपने परचेज कर लिया है तो मुझे नीचे जाकर कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करते जाना, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलूंगा आपसे और किसी अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।